इसके अलावा मंकी ब्रेड है जी। विपी वेब वालों का शो है, मैं उनको थैंक यू करती हूँ, खासकर सलमान असलम को जो कि ओनर हैं, सीईओ हैं विपी वेब कंपनी के उन्होंने ये इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म दिया है थ्रू मसाला मॉर्निंग्स। तमाम मेरे व्यूअर्स को, चाहने वालों को, मुझे इतना कुछ सीखने के लिए आप लोग किसी वक्त जाएं और उनके वहाँ पे बेक हाउस पे जाके चक्कर लगाएं। और क्रीम तो विपी वेब किससे बेहतर तो क्रीम है ही नहीं, ये मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ, बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग डिफरेंट क्रीम्स एंड आई हैव रीच्ड टू दिस कंक्लूजन कि विपी वेब इज़ द बेस्ट। और विपी वेब के पास फ्लेवर्स, फ्लेवर्ड क्रीम भी आ गई है, प्लेन क्रीम भी है, डेरी क्रीम भी है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड क्रीम भी है, प्लस चॉकलेट फ्लेवर्ड क्रीम भी है, ठीक है। प्लस इनके पास चॉको हेज है जो कि न्यूटेला का काम करता है, न्यूटेला से बल्कि अच्छा है। वाइट चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट है, ब्लैक मिल्क चॉकलेट है, ढेरों 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 चीज़ें। आप लोग अगर किसी दिन जाएं बेक हाउस तो ज़रूर जाइए, बैग भर के लेके जाइएगा अपनी, बिकॉज़ वहाँ जाके इंसान रुक नहीं सकता, अपना हाथ नहीं रोक सकता। और आप यकीन करें जो चीज़ें आप बाहर से जाके ख़रीदते हैं, डॉलर्स में स्पेंड करते हैं, दरम्स में लेते हैं, इतना वज़न उठा के लाते हैं, उससे बेहतर है आप बेक हाउस चले जाइए, वहाँ से जाके आपको हर चीज़ आधे दामों पर मिलती है, हर चीज़ मिलती है, ठीक है। बेशक ऐसा ही है। अच्छा अब जान, यहाँ पे मैंने मिल्क को थोड़ा सा गर्म किया था, उसमें ईस्ट डाला, शुगर ऐड की और बस ये। अच्छा, राइज होने नहीं रखा? नहीं, अब इंस्टेंट ईस्ट है, इंस्टेंट ईस्ट है। तो फिर एक बात सुने, मैं तो इंस्टेंट ईस्ट मैदे में डाल देती हूं। अब बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं जी, ठीक। सब कुछ ऐड कर दें, मैं बस वैसे ही स्टेप वाइज इसलिए कर रही हूँ कि थोड़ा इजी हो जाता है देखने वालों के लिए। और दो अंडे हैं मेरे पास, ठीक है। अच्छा, आपने लिया 8 ग्राम ईस्ट जी, सॉरी मेजर नहीं किया था, 8 ग्राम ईस्ट कितने टेबल? अब 1 टीस्पून जो है ना वो समझ लें 2 ग्राम्स के बराबर, क्योंकि वेट लेस होता है, तो वो 2 ग्राम्स है। ओके, तो आपने 2 टेबल स्पून थी, मुझे लग रहा बिल्कुल था। ठीक है, इसमें 2 अंडे भी ऐड कर देंगे, ठीक है, हल्का से एक गुड विप दे देंगे, अंडे ब्रेक हो जाए। और 350 ग्राम मिल्क कितना था? अब यानी अगर कप हमारा 250 ml हाँ। वाला है तो समझ लें 350 ज़रा सा और है, उससे ऊपर है जी। मैं कप्स की मेजरमेंट्स को पर्सनली हाँ, पसंद और प्रेफर भी नहीं करती हूँ, लोगों के लिए पूछ लेती। बिल्कुल मुझे अंदाज़ा है। अच्छा, बस हल्का सा मिक्स करके आप जानी, इसमें मैं मैदा डाल रही हूँ और सॉल्ट डाल रहे हैं, अगर ब्रेक पे जाना है तो चलना है। साल एक ब्रेक है बात जी। अब ये अभी तक नीडिंग ही इसकी हो रही थी, मैंने कहा मैं सामने ही दिखाऊंगी। बटर अभी मैंने ऐड नहीं किया, बटर हम लास्ट में ऐड करेंगे क्योंकि हमने डो को कंडीशन करना होता है। क्या मतलब कंडीशन? थोड़ी सी अब इसका टेक्सचर थोड़ा सॉफ्ट और स्मूथ और सपल हो जाता है इससे, मक्खन बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, थोड़ा सा टाइट है तो मैं इसलिए थोड़ा इसके चंक्स में कर रही हूँ। बटर इसमें ऐड करके अब इसको अच्छा सा विप देंगे ताकि डो कंडीशन हो जाए। इस डो को जो है आप किसी भी ग्रीस्ड पैन में निकाल कर इसकी फर्स्ट प्रूफिंग देंगे, इसको कवर करेंगे, किसी भी डार्क और गर्म जगह पे रखेंगे यहाँ तक कि ये डबल इन साइज़ हो जाए। इसको जो है हम देखें इसे साइड छोड़ती हुई है। मैं इसको जो है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप जानी कैसी हैं आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र, जुबैदा मैं ठीक हूँ। शेफ सहमा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बहुत अच्छी रेसिपी दे रही हैं आज जो आप मंकी ब्रेड बना रही हैं, इंशाल्लाह जरूर मैं ट्राई करूंगी। और आपके जो सर सलमान हैं उनकी तो शेफ और चीजें इतनी औसम है कि बस आप यकीन करें, मैं लाहौर में थी अभी 2 माह पहले, तो जब मैं बेक हाउस पे गई थी लाहौर वाले पे, ना कराची वाला तो अभी नहीं देखा, लाहौर वाले पे गई। प्लेस क्या है? एक सिंपल बस आपने समझ लें कि इसको मेल्ट करना है। आप कैरमल भी, ये मंकी ब्रेड के लिए है ठीक है,
आप कैरमल भी ऐड कर सकते हैं, रेडी कैरमल आपके पास हो आप वो ऐड कर लीजिए। अच्छा, वो भी कर सकते जी आप? बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, जो आपकी बेक हाउस की सॉस है कैरमल, वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, वरना ये जो हम बनाते हैं सॉल्टेड कैरमल, सॉल्टेड कैरमल या बटर स्कॉच आप कहना चाह रहे हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। और ये जो ग्लेज है ना भाजपा, ये मैं इसका यही बता रही थी, ब्राउन शुगर मेरे पास, ये मैं ऐड करने लगी हूँ। ये वो ग्लेज है जिसको चाहे आप बेकिंग से पहले ऐड कर दें, उसके ऊपर पोर करके फिर बेक कर लें, तो बहुत स्टिकी वो बनेगी। और फिर वो निकलने में मसला होगा ना? बिल्कुल, आप थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन वो मज़े की लगती है। इसमें ये कि मैं बेक, बिस्मिल्लाह, मैं बेक करने के बाद जो है ना, और फिर मैं इसको ऐड करूँगी, ठीक है? ऊपर से मैं इसको ब्रश करेंगे या पोर करेंगे? अब आप पोर भी कर सकते हैं, ब्रश भी, कुछ भी कर देंगे, इसको कोई इशू नहीं है। ठीक जी। अच्छा, बहुत ज़्यादा ब्राउन शुगर को नहीं पकाना, वरना बिल्कुल स्टोन हार्ड हो जाएगी, बस हल्का सा मेल्ट ही करना है हमने। ठीक है, ठीक है जी, बस ये इतना हो गया है, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगी इसको, हल्का सा बस मिक्स किया और बबल्स आएंगे हल्के से, ये देखें बस ये बबल्स आए और मैंने बंद कर दिया चूल्हा। और ये हमारी जो बबल ब्रेड है, इसके ऊपर बिल्कुल हल्के ब्रश से जो है आप अच्छे से ग्लेज कर देंगे।